साउंड स्टार्ट. सो हेलो गाइस, दिस इज समीर कुमार. मैं आपका फैकल्टी हूँ, ओबियसली आपके फैकल्टी होंगे. और आज साइंस, जो जनरल साइंस हम लोग बात करते हैं, उसके पर्पस में उसका एक सेक्शन है फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान. इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कभी आराम से. उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड, ध्वनि को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, साउंड एवरी एग्जामिनेशन जो आप दीजिएगा, फ्रॉम पीसीएस, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को ले लीजिए, आज ये मुख्य हम लोग का जेपीएससी पीटी को टारगेट करते हुए रहेगा. लेकिन इतना कंटेंट रहेगा कि आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो रेलवे के हैं, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, उनको इंक्लूड करता हुआ रहेगा, या फिर आप किसी भी अन्य जो भर्ती एग्जामिनेशन है, जैसे दिल्ली पुलिस आ रखा है, ठीक है, या फिर आपका यूपीएसआई आ रखा है, बिहार दरोगा आ रखा है, तो उसमें भी साइंस के सेक्शंस होते हैं. वहां भी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. इन सेंस की अगर हम आपसे कह दें कि कोई भी स्टेट लेवल एसएससी की अगर बात कर लें, चाहे आप एचएसएससी की बात कर लें, चाहे आप बिहार एसएससी की बात कर लें, चाहे आप जेएसएससी की बात कर लें, झारखंड एसएससी की बात कर लें, किसी स्टेट के एसएससी की बात कर लें, बिहार दरोगा वहां से भी रहता है, यूपीएसआई, ठीक है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, ठीक है, उसके अलावा जो अभी टेट एग्जामिनेशन स्टेट बिहार का होने वाला है, ये सारे एग्जामिनेशन को इंक्लूड करता हुआ टॉपिक होगा. चलिए लेट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है. एग्जामिनेशन का इसलिए दे दिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक का कहां तक डिस्कशन चलेगा, ठीक है. सो साउंड की अगर बात कर लें, ध्वनि की बात कर लें, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि उसका डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, परिभाषा. परिभाषा आपसे अगर पूछा जाए लेमेंस लैंग्वेज में, पहली बात जो बार बार अपने बच्चों को बोलते हैं, हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज. कोई भी बच्चे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप साइंस पढ़ रहे हैं, डरे हुए हैं, आपकी सांस फूल रही है, किसी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक एक डिस्कशन एकदम इस तरीके से होगा, आपको यही याद हो जाए, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. लिटरली आपको एग्जाम में स्कोर करना है यहां से. तो पहली बात है कि भाई ध्वनि, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ध्वनि साउंड क्या है, सुनने में मदद करता है, और यही बात डिफिनेशन बन के आती है. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स या दैट गिव्स, ये ज्यादा बेटर रहेगा, सेंसेशन ऑफ हियरिंग. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग. देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते रहेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में परिभाषा को रिपीट करेंगे. तो यह ऊर्जा का वह स्वरूप है जो सुनने की क्षमता प्रदान करता है, यह ऊर्जा का वह स्वरूप है, काम की बात है, ऊर्जा का स्वरूप है, क्या है ये, ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है, जो सुनने की क्षमता प्रदान करता है. भाई जो भी चीज जो हमारे अगल बगल उपस्थित है और जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जैसे लाइट, आपको लगता है कि लाइट देख रहे हैं, आप लाइट को देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ लाइट को महसूस कर सकते हैं. लाइट पढ़ाते समय आपको बताएंगे कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, इट ओनली गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन. प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, ये देखने की क्षमता प्रदान करता है. साउंड को भी हम सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. ऊर्जा के किसी स्वरूप को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके जो रिजल्ट होते हैं उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं. तो साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी
फॉर्म है, ठीक है, जो हमको सुनने की क्षमता प्रदान करता है। अब बात करें इसकी उत्पत्ति, प्रोडक्शन, उत्पत्ति कैसे होती है। देखो आप देखो बोल रहे हैं, गला छुओ अपना, बोलते हो देखो, तो आप जब ऐसे करते हो बोल रहे हो तो गला झनझन सा करता है। गिटार बजाते हो, एक स्ट्रिंग बजाते हो, तबला बजाते हो, किसी चीज को जब हम पीटते हैं या किसी कारण से अगर उसमें वाइब्रेशन कंपन उत्पन्न होता है तो कंपन के कारण ध्वनि की उत्पत्ति होती है। मूल कारण क्या है इसकी उत्पत्ति का? वाइब्रेशन, कंपन। मूल कारण क्या है प्रोडक्शन ऑफ साउंड का? ध्वनि के प्रोडक्शन का मूल तरीका क्या है? वाइब्रेशन। जहां भी कंपन होगा वहां ध्वनि की उत्पत्ति होगी, ठीक है, आई बात समझ में। वाइब्रेशन को एक और बात कहते हैं ऑसिलेशन। देखो कोई भी चीज अगर कंपन कर रहा है तो अपने पॉइंट पे मूव करता है, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, दोलन गति। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? दोलन गति। SHM जब आपको डिस्कस करेंगे तो दोलन गति के बारे में बात करेंगे हम लोग, ऑसिलेशन, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन के कारण साउंड की उत्पत्ति होती है। अब अगर इसकी बात कर लें ये किस तरीके से मूव करता है, इसका मूवमेंट, ठीक है, यानी संचरण। अगर इसका संचरण की बात कर लें, इसके मूवमेंट की बात कर लें, तो इसका संचरण कैसे होता है? इन फॉर्म ऑफ वेव। अब ये क्या बात है भाई, देखिए वेव को अलग से आपके लिए हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं तरंग। तरंग वह भौतिक इकाई है, इसको हम लोग बात करेंगे अलग से, एक चैप्टर ही है वेव, इसको बात करेंगे भाई। तरंग देखिए, ऊर्जा जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, हम ऐसे चले तो ले जाने वाला मेरा पैर है, तो कोई तो एक ऐसा उपकरण हो, कोई ऐसा तरीका हो जो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का काम करे। तो थोड़ा वेव आपको समझा देते हैं, तब आपको साउंड में लेके चलेंगे। एक ये लूप टॉपिक है, इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वेव को डिस्कस करें हम आपसे थोड़ा सा लूप टॉपिक में, तो वेव क्या है, तरंग क्या है, फिजिकल एंटिटी, ऐसी भौतिक उपस्थिति है दैट ट्रांसमिट्स एनर्जी एंड डिस्टर्बेंस बट नॉट मास। इसको हिंदी में अगर आपसे हम बात करें, यह ऐसी भौतिक उपस्थिति है जो ऊर्जा और अव्यवस्था का संचरण करती है परंतु द्रव्यमान का संचरण नहीं करती। हम यहां से बोल रहे हैं तो जो भी सुनने वाले हैं मेरी आवाज सुन सकते हैं, यहां का कंपन उनके कान तक पहुंचता है, लेकिन मेरे शरीर से 2 किलो घटके उनके शरीर में नहीं पहुंच रहा। प्रकाश अगर सूर्य से हमारे तरफ आ रही है तो सूर्य का मास घटके हमारे धरती पर ऐड नहीं हो रहा है। तो वेव क्या है, जो ऊर्जा का और अव्यवस्था का संचरण करे परंतु द्रव्यमान का संचरण ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव। और वेव के टाइप की अगर बात कर लें, थोड़ा सा यहीं पर हम लूप टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ वेव, इधर थोड़ा मिटा रहे हैं आप लोग के लिए। अगर हम टाइप ऑफ वेव की बात कर लें, तरंग के प्रकार की बात, इसको अलग से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस मोटा मोटी आप देख लीजिए। तो पहला होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। और दूसरा होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब क्या अंतर है भाई, देखिए मैकेनिकल नाम से ही बतला रहा है कि ऐसे वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है,
दोज वेव वैसी तरंगे विच नीड्स मीडियम माध्यम चंद्रमा पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं सुन सकता कितना भी चिल्ला ले, क्यों? वहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है, क्या है? निर्वात है। निर्वात में ध्वनि प्रवाह नहीं कर सकती है। ध्वनि या तो एक गैस में जाएगी, या तो सॉलिड में जाएगी, या लिक्विड में जाएगी, लेकिन निर्वात में उसका ट्रांसमिशन नहीं होता। ये सवाल पूछ चुका है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको बताने का कारण यही था, साउंड कैसा है? एक मैकेनिकल वेव है, अभी बतलाते हैं आपको, ठीक है? तो उसको मीडियम चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं? डू नॉट नीड्स मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, सूर्य से जब प्रकाश धरती की तरफ आती है, धरती की तरफ आती है सूर्य से, तो बीच में निर्वात भी पड़ता है, तो प्रकाश क्या रुक जाती है वहां पर? नहीं, तो वो मीडियम में भी फ्लो करेगा लाइट, या मीडियम लेस अगर निर्वात रहेगा, वैक्यूम रहेगा, वहां भी फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो मीडियम में भी जा सकता है, मीडियम लेस कंडीशन में भी जा सकता है, लेकिन मैकेनिकल वेव के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैकेनिकल वेव के टाइप की बात कर लें, क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि साउंड यहां से डिस्कस करने की बात है। टाइप की बात कर लें तो ये दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है? अब क्या अंतर है भाई दोनों में, क्लियर? तो इसका अंतर समझाते हैं आपको दो एग्जांपल से, इसी को हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की। पहले समझिए, फिर अनुदैर्ध्य की। देखिए, स्प्रिंग तो देखा होगा आपने, जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो कैसा होता है? ऐसे मूवमेंट, और फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है? तो जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब वैसे वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, ठीक है? तो वेन या वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज सेम एज दैट इज सेम एज दैट ऑफ वेव मोशन। समझने के लिए इजी लैंग्वेज बोले हैं, वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन, हिंदी में सुनिएगा, वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों का दोलन उसी दिशा में हो जिस दिशा में तरंग गति हो रही हो, तरंग जिसमें आगे बढ़ रही हो, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। साउंड भी, इसका एग्जाम्पल क्या है? साउंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ध्वनि, इसीलिए इतना बतला है। तो ध्वनि कैसा तरंग है? मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल। और इसमें देखिए अब कैसे ये मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होता है जब हम बोल रहे हैं, तो जैसे ही हम बोलते हैं आप मुंह के पास हाथ लेके आइएगा तो आपको एक फूंक सी महसूस होगी, वो क्या करता है? हमारे मीडियम को प्रेस करता है। कभी केचू के चलते देखो, सिकुड़ता है, तो जब एक जगह सिकुड़ता है कोई चीज तो एक तरफ फैल भी जाता है, तो क्या होगा कि जब मीडियम एक तरफ दबाव पड़ता है तो एक तरफ पूरा इकट्ठा हो जाता है मीडियम। इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, संपीड़न।
और एक जगह जब इकट्ठा होता है तो एक तरफ एकदम खाली खाली हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रियर फैक्शन. ये सब क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, मतलब कि विरलन. इसमें क्वेश्चन कैसा है, जब हम लोग क्वेश्चन सेगमेंट में चलेंगे तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे. तो ये कंप्रेशन और रियर फैक्शन के रूप में एक तरफ सिकुड़ा एक तरफ फैला, सिकुड़ा फैला, और ये ऐसा ही डिस्टरबेंस आपके कान तक पहुंच गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि. तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जो डायरेक्ट आया है. पहला बात, साउंड कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव, मतलब कि उसको मीडियम चाहिए. बीपीएससी में पूछ दिया कि साउंड किस टाइप का वेव है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या इनमें से कोई नहीं. तो कैसा है ये, लॉन्गिट्यूडनल, अलुधैर्य तरंग है. तीसरी बात, साउंड में कैसे मूवमेंट होगा, तो कंप्रेशन और रियर फैक्शन, मतलब संपीड़न और विरलन द्वारा मूवमेंट होगा. क्लियर, आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, इसको पूरा समझा देते हैं फिर साउंड पे चले आते हैं. वेव एक चैप्टर, इसको अलग से भी डिस्कस किया जाएगा. बात करें अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव, मतलब अनुप्रस्थ तरंग. देखिए अब ये एग्जांपल देखिए, कभी आपने गिटार को बजाया है या कुछ वैसा, ऐसे रस्सी पकड़ के बंधा हुआ रस्सी, इसको खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो जो झनकार होती है तो उसमें कैसा फिर बनता है, जब इसको आप खींच के छोड़ते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें आपको झनझनाहट से दिखाई पड़ता है. मतलब इसमें एक पोर्शन उठा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, शीर्ष, और दूसरा होता है ट्रफ, गर्त, ठीक है. और ऐसा ही शीर्ष और गर्त के रूप में ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करेगा. अब यहां देखिए, अगर इस मीडियम को देखिए तो ये ऊपर या नीचे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन वेव कैसे बढ़ रहा है आगे की तरफ. वही साउंड में आपने क्या देखा, साउंड कैसे मूव कर रहा था, इधर कंप्रेशन, इधर रियर फैक्शन, और साउंड भी किधर मूव कर रहा था, ऐसे, सी फॉर साउंड वेलोसिटी, ठीक है. तो जिधर कंप्रेशन रियर फैक्शन हो रहा है उधर ही साउंड मूव कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, यस, अनुधैर्य. और जब मीडियम का मूवमेंट वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, देख लो ये परपेंडिकुलर है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स. तो वेव इन विच द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी, अगर माध्यम के कणों का दोलन, दिखा दिया आपको, अगर वो तरंग गति के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव करेंगे. जैसे आपने देखा वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में उत्पन्न तरंगे. एक चीज और बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, नॉट ट्रांसवर्स वेव. देखिए दोनों में अंतर है, इसको मीडियम चाहिए, ट्रांसवर्स वेव को मीडियम चाहिए, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर, ऐसे इनका वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इनके मीडियम का वेलोसिटी होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, बट ये मीडियमलेस मूव करते हैं. इसका एग्जांपल हो गया आपका लाइट, अलग से इसको पढ़ाएंगे आपको, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, परावैगनिक किरणें इत्यादि, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे वेव्स को, ठीक है, इसका नेचर, इसका प्रॉपर्टीज, सब कुछ.
ठीक है, यहां सिर्फ अभी ध्यान देते हैं हम लोग साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि ये वेव का नेचर क्लियर हो गया। तो अगर वेव का नेचर आपका क्लियर हो गया तो हम लोग फिर से साउंड पे लौटते हैं, तो याद रखिएगा कहां तक छोड़े थे कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद कैसा है ये साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, अभी दिखा दिया आपको यांत्रिक तरंग है, पहला सवाल आया हुआ। दूसरी बात, मैकेनिकल में भी कैसा है ये, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य है ये। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, कैसे मूव करता है, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन, संपीड़न और विरलन द्वारा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार बनता है, क्लियर हो गया ये चीज, याद हुआ, ये बार बार क्वेश्चन बनता है जो पिछली बार बीपीएससी में पूछ दिया था इसको, ठीक है। तो बहुत पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत पीसीएस में ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आ जाता है, यही वाला, बस यही तीन पॉइंट अब याद हो जाना चाहिए सबको। अगर साउंड के टाइप्स की बात कर ले, ध्वनि तरंग के प्रकार, तो देखिए अगर हम किसी को प्रकार में अगर बांटना चाहते हैं तो उसको किसी गुण पे बांटेंगे, यहां किस गुण पे बांटते हैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड तीन प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक अवश्रव्य, ठीक है, दूसरे को कहते हैं ऑडिबल श्रव्य या सोनिक, और तीसरा प्रकार होता है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम, लेस देन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, इसको पढ़ाएंगे जब वेव पढ़ाएंगे इंडिपेंडेंटली आपको, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बताएंगे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेव लेंथ क्या होता है, देन वेव नंबर क्या होता है, ये सारी बातों को वहां फिर से जब वेव पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। अभी बस समझिए, फ्रीक्वेंसी एक गुण है किसी भी वेव का, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम लोग अवश्रव्य, ये ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, इन्हें इसे मानव द्वारा सुना नहीं जा सकता, इसे ह्यूमन नहीं सुन सकते, ठीक है, क्यों, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम इसकी है रेंज कि हमारे हियरिंग रेंज के बाहर है, ठीक है। कुछ कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली इसको सुन सकते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियों के प्रजाति हैं जिनके सुनने की क्षमता है 10 हर्ट्ज से 45,000 हर्ट्ज तक, तो कुछ कुत्ते बिल्ली इसको महसूस कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ये पूछा है, तो पहला बाई, इसको याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ लार्ज बॉडी, इसको मोटा मोटी याद करने का तरीका बता दी, कोई भी बहुत बड़ा चीज अगर मूव करता है, जैसे कि एग्जांपल में टेक्टोनिक मूवमेंट। अब टेक्टोनिक क्या होता है, जब जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं और जो नहीं भी हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेगा तो पढ़ेगा, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, बड़े बड़े मासेज होते हैं हमारे अर्थ के, जो लैंड मासेज हैं, जो लावा पर तैर रहे हैं, ठीक है, तो उसके मूवमेंट में इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक में, ठीक है, मतलब कि जब भी भूकंप आता है तब भी टेक्टोनिक मूवमेंट होता है अर्थक्वेक में,
कभी पूछ दिया है मूवमेंट ऑफ एलिफेंट, वेल जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनके चलने से भी इंफ्रासोनिक साउंड अवश्रव्य ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहां तक को डाउट क्लियर? ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे। ऑडिबल क्या है? नाम से ही ऑडिबल, जो सुन सकते हैं, जिसको मानव सुन सकता है, कैन बी हर्ड बाई ह्यूमंस, जिसको हम मानव सुन सकते हैं। इसका रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ड से ज्यादा और 20,000 हर्ट से कम, ठीक है। 20 हर्ट से ज्यादा, 20,000 हर्ट से कम। नॉर्मली हमारे आपके बोलने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ऑडिबल रेंज का होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड की अगर बात कर लें तो अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अब ऑब्वियसली इससे ज्यादा हम लोग अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट से ज्यादा। के मतलब 1000 होता है, ठीक है ना, 20,000 हर्ट से ज्यादा। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति? तो एक तो नेचुरली अगर देखिएगा तो बैट्स, चमगादड़, बड़ा आजकल न्यूज में है कोरोना के कारण, ठीक है। उसके बाद गैल्टोन्स विसल, गैल्टोन साहब ने एक सीटी बनाई, कुत्तों को ट्रेन करने के लिए यूज होता है, बड़ा क्वेश्चन आया है इससे, यूज टू ट्रेन डॉग, आर्मी वार्मी वालों के पास होता है, बड़ा महंगा आता है, फूकते हैं और लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं, कुत्ते उससे काफी इफेक्टेड होते हैं क्योंकि काफी तेज आवाज होता है। तो गैल्टोन विसल जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। इसके बाद और भी ऑसिलेटर्स इसका यूज हम लोग इसका प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसको सुन सकते हैं। कौन सुन सकता है? तो कुछ जीव हमको छोड़ के, जैसे कि पहला तो चमगादड़, एलिफेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, मंकी आया था, कि डॉल्फिन सुन सकती कि नहीं, तो यस डॉल्फिन भी, वेल, ठीक है। मुख्य रूप से मेरा कहना है कि जो भी जलीय जीव हैं ज्यादातर उनकी सुनने की क्षमता होती है, या जिनका कान वान बड़ा होता है उनके अंदर सुनने की क्षमता होती है। किसको? डॉग्स, कैट को तो आप भूल ही गए, ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स। देखिए यहां तक तो इस ये सुनने में काम आया, इसका कोई काम नहीं है, बहुत कम एनर्जी का है, लेकिन क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी का है इसका यूज होता है, और ये यूज पूछता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज पूछता है, ठीक है, कि भाई कहां उपयोग में आप लाते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को, ठीक है। देख लेते हैं यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। परासर्व ध्वनि की उपयोग, ठीक है। तो पहला तो आपने देखा कि चमगादड़, नेचुरली चमगादड़, बैट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये क्या है? ऐसे जहाज, जो बड़े बड़े जहाज है ना, अब उसमें बड़े बड़े समुद्र में रहते हैं, अब इतना बड़ा रस्सी तो होता नहीं कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डेप्थ को नाप सकें, तो वहां ऐसा एक लगा रहता है मशीन जिससे कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये टकरा के जब लौटता है, अब इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। तो ये टकरा के जब लौटता है तो इसके सेंसर जितने देर में लौटता है, सेंसर रिसीव करता है और उसी हिसाब से मेजरमेंट ऑफ डेप्थ करता है, ये मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, उसके गहराई को मापने का काम करता है। इसके अलावा आपने मेडिकल पर्पस में, कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड कराना है, मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करते हैं, तो इन मेडिकल पर्पस,
अल्ट्रा साउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड करने के लिए बच्चे का पोजीशन क्या है, पेट का पोजीशन क्या है, तो इंटरनल ऑर्गन्स के विसरल ऑर्गन्स जो हमारे अंदर ऑर्गन है उसके नेचर को, उसके अवस्था को जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ये इतना तेज होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो कार्बन ये सब जमा होता है, अब उसकी इतनी सॉफ्ट डेलिकेट कुछ कंपोनेंट है उसको अगर हाथ से साफ नहीं कर सकते तो, और उसका साफ होना भी जरूरी है, तो उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ डेलिकेट कंपोनेंट ऑफ रॉकेट प्लेन एंड इंडस्ट्री, कुछ भी जिसका डेलिकेट कंपोनेंट है, कुछ भी जिसको हम छू के साफ नहीं कर सकते लेकिन साफ करना मजबूरी है, जरूरी है, तो उसके सफाई के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। तो ये सारा यूज जो है लिटरली पूछता है। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन है बाबू, आप लोग देखिए और देखिए इसको समझिए। एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट जो यहां लिखा हुआ है ऐसा नहीं है जो कि आपके पेपर में नहीं आया हुआ है, इसलिए अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार दे दिया था, एक क्वेश्चन इसको देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड वेव, पहला है अल्ट्रासोनिक, दूसरा है हाइपरसोनिक, तीसरा है सुपरसोनिक, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने सब टिक कर दिया कि ऑल ऑफ द अबव, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, ये दोनों क्या है तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो, साउंड के आधार पे ही हम लोग जो बहुत तेज चलने वाले यंत्र हैं जैसे कि जेट प्लेन्स हो गया, रॉकेट हो गया, उसके गति को मापने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़ बहुत स्लो चल रहा है तो उसके लिए अलग यूनिट होता है, कोई चीज़ अगर तेज चल रहा है तो उसके लिए अलग यूनिट होता है, और कोई चीज़ अगर बहुत तेज चल रहा है तो उसके लिए अलग यूनिट मेजर करते हैं। अभी देखिए रफेल का डील हुआ तो रफेल की स्पीड को हम लोग नापते हैं मैक संख्या में। ठीक है, मैक नंबर क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, मैक नंबर, मैक संख्या, ये क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड। पहली बार पूछा है ये, इसी बार एमटीएस में दे दिया था, एसएससी सीजीएल में दे दिया था, यूनिट ऑफ स्पीड या गति की इकाई है। वन मैक कितना होता है, जनरली 132 मीटर पर सेकेंड, जो हमारे साउंड की गति है नॉर्मल अवस्था में। ठीक है, उसको वन मैक कहते हैं। अब यहां से यहां देखिएगा, अगर वन मैक से स्पीड ज्यादा है, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर स्पीड वन मैक से ज्यादा है लेकिन फाइव मैक से कम है, जैसे रफेल ये सब हो गया, तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। लेकिन अगर स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो गई तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपरसोनिक, जैसे कि आपका रॉकेट्स हो जाता है, रॉकेट्स। ठीक है, तो ये बात को बड़ा समझने वाली बात है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या है, मैक संख्या क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए, बहुत कम जगह डिस्कस्ड रहता है ये। ठीक है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल होता है। और सवाल देखिए इस पर दे दिया, ठीक है। अब जब हम टाइप्स ऑफ वेव्स देख लिए
और उसके यूजेस देख लिए, सब कुछ देख लिए, अब ये सब हम लोग को समझ में आ गया बात। तो भाई अब इसके अलावा भाई साउंड में और क्या है? तो अब साउंड जब इतना देख चीज़ देख ले, तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ा एक हट का टॉपिक है, साउंड से रिलेटेड है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड। तो कि जब कोई चल रहा है सोल्जर, तो कदम ताल मिला के चलता है, उसको स्ट्राइड कहते हैं, फ्लैग मार्च कहते हैं। लेकिन जब वो पुल पार कर रहा होता है, जब वो ब्रिज पार कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं कदम ताल मिला के मत चलो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि एक साथ अगर कोई चीज चल रहा है, तो वाइब्रेशन अगर एक फेज में आ गया तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि एक वाइब्रेशन एक बार ऐसे धक्का मारे और फिर ऐसे धक्का मार दी, तो ज्यादा में धक्का हो गया। आई बात समझ में? और इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस, अनुनाद। ये सवाल पूछा है, ठीक है? तो इसको नोट करके याद करके रखिएगा, सोल्जर इज आस्क्ड टू ब्रेक द स्ट्राइड ओवर ब्रिज टू स्टॉप या अवॉइड डैमेज टू ब्रिज ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। जब एक सिपाही या सिपाहियों का समूह जब किसी पुल पुलिया को पार कर रहे होते हैं, तो अपने कदम ताल को ना मिला करके या उस कदम ताल से हट के चलने के लिए कहा जाता है। क्यों? अनुनाद के कारण, ठीक है? तो ये एक अलग टॉपिक है जो वाइब्रेशन से रिलेटेड है, कभी कभी पूछा है, ठीक है ना? एक बात आती है, उसको हम लोग कहते हैं इको, प्रतिध्वनि या गूंज। तो ये क्या है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, और किससे रिलेटेड है? तो एक चीज है, उसको भी याद रखिएगा, इसी के अंदर बोल रहे हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है? मतलब कि हमारे कान पर अगर कोई मान लिया खड़े हैं, आपको कोई थप्पड़ मार दिया, फिर थप्पड़ मार दिया, फिर थप्पड़ मार दिया, तो उसका असर जो है चोट थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन के साथ वही है कि अगर कोई चीज को अगर बार बार तुरंत 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 उसको अगर मिल रहा है, तो वो उस चीज को फिर समझ नहीं पाता, या एक बात कह लीजिए कि उसको सही तरीके से समझने के लिए एक टाइम गैप चाहिए जब तक उस पर उसको पहले वाले का असर होता है। उसी को परसिस्टेंस, स्थायित्व कहते हैं, मतलब ध्वनि का स्थायित्व। ध्वनि का स्थायित्व मतलब कितने देर तक ये हमारे कान पर होता है? तो 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड, ये ध्वनि का स्थायित्व है। इससे 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड के बाद अगर दूसरी ध्वनि आ रही है, तो हमको सुनना ही पड़ेगा साफ साफ, नहीं तो अगर एक साथ 4-5 लोग बोलते हैं तो आपको नहीं सुनाई पड़ता है ध्वनि के स्थायित्व के कारण, ठीक है? तो अगर कोई चीज है, हम अगर बोलते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वैसे अगर मान लो हम यहां से बोल रहे हैं, तो साउंड भी अगर वो हार्ड सरफेस से टकरा के लौटेगा, ठीक है? और फिर से हमको सुनाई पड़ेगा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इको, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापिस उसी व्यक्ति तक पहुंचते हुए उस पे जो उस कान में जो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है साउंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि या गूंज कहते हैं, ठीक है? गुंजन। और यहां से एक पॉइंट पूछता है, फॉर क्लियर हियरिंग ऑफ साउंड, फॉर क्लियर हियरिंग ऑफ साउंड
इसका डिस्टेंस कितना चाहिए, 7.2 मीटर, 7.2 मीटर, ठीक है, 7.2 मीटर। ये कहां से आया, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो तो मान लो यहां से यहां तक अगर ये डी है, ठीक है, और यहां पर टाइम लग रहा है टी, तो जाएगा और चलाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये, तो टोटल डिस्टेंस समझने के लिए आप जानिएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, और कितना टाइम लिया, तो ये टी हो गया आपका, इसकी वैल्यू होती है 0.01 सेकेंड, ठीक है, तो टी टोटल टाइम जो लिया है जाके लौटने तक, क्लियर हियरिंग के लिए 0.1 होना चाहिए, 0.1 से ज्यादा होना चाहिए, 0.1 से अगर कम हुआ तभी नहीं क्लियर होगा, ठीक है, तो दिस इज 0.1। अब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, यही क्या होता है स्पीड। अब अगर नॉर्मल हम कंडीशन में देखें, एक एग्जांपल लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 344, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.1। अब ये 2d है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 17.2, कितना हो गया, d इक्वल टू 17.2, ये इधर गया तो पॉइंट लग गया, ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह भी बात याद रखिएगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग टेम्परेचर रहेगी तो अलग अलग स्पीड होता है, वहां अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 17.2 होता है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 2D अपॉन T, ठीक है। उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, लेकिन अभी इसका थ्योरी पूरा देख लेते हैं। अब यहां से आता है बात, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण, और सबसे पहला है उसमें पिच, तारत्व, ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इसको बड़ा जल्दी समझिएगा, इट इज मेजरमेंट ऑफ श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि के तीखेपन या भारीपन का मापन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारत्व। ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पूछा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच ज्यादा, और आवाज कैसा होगा उसका, श्रीलर, जैसे देखा जाता है गर्ल्स में, औरतों में, औरतों की आवाज क्या होती है, ना पतली होती है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पिच कम, और आवाज कैसा हो गया, क्रेवर, भारी, जैसे कि बॉयज में, मर्दों में। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका पिच ज्यादा, और आवाज कैसे होगी, पतली, जैसे कि लड़कियों में, औरतों में आवाज लड़कियों की पतली होती है और मर्दों की भारी, क्यों, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वोकल कॉर्ड हमारे गले में होता है, ठीक है, तो मर्दों में ये थोड़ा कम एक्टिव होता है, औरतों में कुछ ज्यादा, वैसे भी बोलने के लिए औरत को ही बनाया गया है, तो इस तरह से याद रखिएगा, ज्यादा बोलते हैं उनकी आवाज तीखी होती है, पतली होती है। दूसरी क्वालिटी हो गई लाउडनेस, प्रबलता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, कितना प्रबल है, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ साउंड, कितना तेज है, जैसे भी हम बोल रहे हैं, हाँ जी बोलो, आवाज आ रही है, अब हम बोल रहे हैं ऐसे, तो आपको जब तेज सुनाई पड़ रहा है
तो स्ट्रेंथ ज्यादा, जब धीरे बोलना है तो धीरा। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये जब हम वेव पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आयाम कहते हैं हिंदी में इसको, आयाम। ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड, कितना उसका आयाम है। जितना ज्यादा आयाम उतना ही उसका तीव्रता ज्यादा। अभी जो जोर से बोल रहे हैं तो मीडियम पार्टिकल तेजी से मूव कर रहे हैं, इसी को ये आयाम हो गया। जब धीरे बोल रहे हैं तो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका आयाम ज्यादा उसका तीव्रता ज्यादा। और इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? फोन, बेल, और इसका वर्किंग यूनिट होता है डेसीबेल, डीबी, ठीक है। अब यहां से कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि WHO के द्वारा सेफ हियरिंग लिमिट कितना है? दिस इज 45 dB। या पूछता है कभी कभी, WHO ने कितना दिया है? 45 dB। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिस इज 55 dB, थोड़ा ज्यादा, याद रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट कहने का मतलब है इसके बाद अगर सुने ना तो कान खराब हो जाएगा। 120 dB से अगर ऊपर गया तो कान खराब हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड एंड ऑल, ठीक है। नॉर्मल कन्वर या विस्परिंग, फुसफुसाना, अगर विस्पर कर रहे हैं तो 30 dB नॉर्मल, अगर इंसान हाँ क्या कैसे ऐसे बोल रहे हैं तो 30 dB। लेकिन अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत जैसे अभी हम आपसे कर रहे हैं, तो 60 dB। और अगर येलिंग, झगड़ा कर रहे हैं, तो आपका होता है 80 dB। तो ये सब कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो आपको पूछ देता है क्वेश्चन के रूप में, किसका कितना डीबी होता है, ठीक है ना। और डेसिबल क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। नेक्स्ट इज क्वालिटी, गुण। ये बहुत मोटा चीज है। अगर सेम पिच एंड लाउडनेस हो साउंड इज डिफरेंशिएटेड बाय क्वालिटी। देखो अगर सेम एक औरत, दो औरत बोल रही है, औरत का पिच ओबियसली सेम होगा, ठीक है। और एक्चुअली सेम तो नहीं होता है, पिच सबका अलग अलग होता है, बट अगर औरत बोल रही है तो ओबियसली थोड़ी तीखी आवाज होगी। अगर एक ही लाउडनेस से बोल रही है फिर भी उनकी आवाज को हम लोग अलग अलग पहचान लेते हैं, ठीक है। श्रेया घोषाल गा रही है कि लता मंगेशकर गा रही है, हम लोग पहचान लेते हैं। तो ये किस तरह से पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं उसके हारमोनिक्स से, डिपेंड्स ऑन हार्मोनिक्स। क्या होता है जब वेव पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओवरटोन, ओवरटोन, ठीक है। तो ये सीधे सीधे बात आई है कि क्वालिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ओवरटोन पे। एक्चुअली देखो क्या है ना, एक बार कितना रिपीट होके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरटोन, ठीक है। उसी को हार्मोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड आपको अभी बता दिया क्या है, 2D/T, ठीक है। लेकिन साउंड का जो स्पीड है इसकी वेरिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट खेला है, इसका वेरिएशन पे बड़ा क्वेश्चन पूछता है। अब समझना, साउंड कैसे मूव कर रहा था? किसी मीडियम के टू एंड फ्रो के कारण। हम बोल रहे हैं तो
हम बोले ये उससे टकरा है, उससे टकरा है, ये उससे टकरा है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से साउंड मूव कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर साउंड को हम लोग देखें, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मीडियम, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, देखो इसको मोटा मोटी सीधे याद कर लो, जो ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा नजदीक नजदीक, उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा, जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड, ऑब्वियसली सॉलिड के जो ठोस के जो कण हैं वो ज्यादा नजदीक होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, जानते हैं उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स नजदीक होते हैं, उसके थोड़ा कम होता है लिक्विड में, तरल में, द्रव्य में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब इतना बड़ा बक नहीं है क्वेश्चन सेट करने वाला, आजकल एकदम जोड़ जोड़ के सवाल पूछ देता है। अब मान लो पूछ दिया तुमसे पूछ दिया क्वेश्चन, एक देख लीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन, पहला है सी वाटर, समुद्री जल में, दूसरा वाटर जल में, तीसरा डिस्टिल्ड वाटर, चौथा इथेनॉल शराब में। अब देखो इसमें तुमको जांचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिमाग को लगाना पड़ेगा। देखो सी वाटर, सी वाटर उसमें नमक मिला होता है, हेवी होता है, इसकी डेंसिटी, इसका कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होता है। वाटर थोड़ा उसमें और लवण होता है, इससे थोड़ा कम होता है। डिस्टिल्ड वाटर और कम कॉम्पैक्ट हो जाता है, और आप देखिए शराब को तो वो जल के ऊपर तैर जाता है, स्पिरिट, ठीक है। तो ये सबसे हल्का होता है, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट कौन हो गया? सी वाटर। तो सबसे तेज किसके अंदर होगा? सी वाटर। फिर उसके बाद कौन हो गया? वाटर। फिर कौन हो गया? डिस्टिल्ड। ये तो हम एकदम सजा दिए, वैसे ही दे दिए। सबसे कम किसके अंदर? इथेनॉल, यहां पर। तो इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए मैक्सिमम स्पीड किस में होता है? तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा हो गया? मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है? डायमंड, हीरे में। सबसे कॉम्पैक्ट कौन होता है? हीरा। तो हीरा में सबसे तेज साउंड का वेरिएशन होता है, इस बात को फिर से समझिएगा। जो ज्यादा कंपैक्ट उसमें साउंड की गति ज्यादा, क्यों? उसके मॉलिक्यूल करीब करीब, ठीक है। दूसरा आता है आपका बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ताप पर। देखो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर। कुछ चीज को गर्म करोगे तो उसमें तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? जब वो तेजी से मूव करना शुरू कर देगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा।
ठीक है, तो इसी हिसाब से। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत जगह किताब में कंफ्यूज करता है, आप कहिएगा सर गर्म करते करते लोहा को पिघला दिए, सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो लिक्विड में तेज ज्यादा होना चाहिए था। ये हमेशा कॉन्स्टेंट कंडीशन में होता है। क्या होता है? कॉन्स्टेंट कंडीशन में, उसका फेज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा हम लोग एक ही मीडियम को कंपेयर कर सकते हैं, पानी और सॉलिड, क्या कहते हैं कि लोहा को हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो लोहा का रॉड है, मान लो एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों क्या है? आयरन, तब आप कंपेयर कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा, 80 डिग्री वाले में ज्यादा होगा, 50 डिग्री वाले में कम। जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव तेज करते हैं, तो इसके अंदर साउंड की संचरण तेज हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से देखिएगा, जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उसमें मूवमेंट तेज हो जाता है साउंड का। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो दो तरीके से देखिए, कोई चीज को आप गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी घटती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर अगर मूव तेज कर रहा था मतलब कम डेंसिटी पे मूव करेगा। इसका स्पीड का एक और फॉर्मूला भी है, जहां केस क्या है, बल्क मॉडुलस है और दिस इज डेंसिटी, ये इसका डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला से याद रखना तो रखिए, नहीं तो इस बात को समझिएगा, यहीं से जोड़िए कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका डेंसिटी कम होती है, मतलब कि कम डेंसिटी पर सी ज्यादा, यहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या यहां से याद रखिएगा। तो याद रखिए, डेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर किसी के डेंसिटी को आप बढ़ाइएगा तो उसका जो साउंड का स्पीड है उसके अंदर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। यहीं से एक बात आती है कि ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, अब इसको समझा दे आपको थोड़ा सा। देखो ह्यूमिड एयर का मतलब होता है, देखो गर्मी में आपका चेहरा नहीं फटता है, तो ह्यूमिड एयर कैसा होता है, वार्म, मतलब वैसा एयर जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, वो कैसा होगा, नॉर्मली गर्म होगा। गर्मी के दिनों का जो लू है एंड ऑल, आपको लगता नहीं है लेकिन लू थोड़ा सा वाष्प ज्यादा होता है, तो वाष्प जिसमें ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो वाष्प जल, जल क्या है H2O, मात्र 18 ग्राम, लेकिन O2 क्या होता है, दिस इज 32 ग्राम। तो ऑब्वियसली अगर हम एक यूनिट पे लेंगे तो जल क्या है, ये हल्का है O2 से, एक एग्जांपल में। तो जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, आई बात समझ में। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वार्म एयर में ज्यादा। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, जो एयर वार्म होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगा, जैसे याद रखना है, ये सवाल पूछता है। ड्राई एयर कैसा होता है, कोल्ड, विंटर, ठीक है, चमड़ा फटना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। देखते हैं ठंडे के दिन में एयर बैठ जाता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, वहां पर कम। तो याद रखिएगा, कोल्ड मतलब विंटर में स्पीड ऑफ साउंड घट जाता है और समर में बढ़ जाता है, विंटर में सुनने की क्षमता हमारी घट जाती है, क्लियर। सो आज टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट कर लिया बच्चों, साउंड को। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, डाउट्स क्वेश्चन के रूप में, डाउट्स तो कुछ नहीं बचेंगे यहां पर आपको, लेकिन इसका एप्लीकेटिव क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में चीजें याद हो जाती हैं, केमिस्ट्री में थोड़ी याद हो जाती है, फिजिक्स में जब तक सवाल ना देखो क्लियर नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ, 100-150 क्वेश्चन, जब वो डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक पे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साउंड से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम कवरेज हो सकता है वो सारा चीज हम लोगों ने यहां पर कर लिया, अब कोई भी चीज बचा नहीं यहां पर, ठीक है। तो आज
इस टॉपिक से रिलेटेड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट में फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज हमने नहीं किया, और आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा वहां पे। देन चलिए फिर, थैंक यू, गुड लक।